देश में इन दिनों संसद में बहस का दौर जारी है। इसी बीच प्रश्नकाल के दौरान तमाम मुद्दों पर बहस हुई। सरकार ने कई सवालों के जवाब भी दिए, लेकिन इसी बीच सांसदों के बीच काफी असंतोष का माहौल नजर आया। दरअसल प्रश्नकाल के दौरान मंगलवार को सीट आवंटन को लेकर सांसद काफी नाराज दिखाई दिए। जानकारी के अनुसार कई विपक्षी पार्टियों और विपक्षी नेताओं जैसे सपा, डीएमके, टीएमसी और अखिलेश यादव सहित बीजेपी की सहयोगी पार्टी टीडीपी के कुछ सांसदों की सीट भी बदली गई, जिसको लेकर सभी ने नाराजगी व्यक्त की। इसी कड़ी में बीजेपी की सहयोगी और इस बार एनडीए की सरकार बनवाने में अहम भूमिका निभाने वाली चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के कुछ सांसदों की सीट में भी बदलाव किया गया, जिसके बाद तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि टीडीपी ने अपने सांसदों की सीट आवंटन पर पुनर्विचार की मांग की है। वहीं इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम रहे अखिलेश यादव की सीट भी बदल दी गई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहले 8वीं ब्लॉक में कांग्रेस नेताओं के साथ बैठते थे, अब उन्हें 6ठी ब्लॉक की पहली पंक्ति में शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने उन्हें उनके पुराने स्थान पर बैठने की पेशकश की, लेकिन अखिलेश ने इसे ठुकरा दिया। साथ ही डीएमके और एनसीपी के वरिष्ठ सांसदों ने भी सीट आवंटन को लेकर नाराजगी व्यक्त की। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले को 7वें ब्लॉक में स्थान दिया गया, जिससे वो नाखुश हैं। सांसदों की जगह बदलने की वजह असंतोष का कारण लोकसभा कार्यवाही के लाइव प्रसारण में उनका दिखना है। सियासी जानकारों का कहना है कि कैमरे मुख्य रूप से 8वें ब्लॉक पर फोकस करते हैं, जहां विपक्ष के प्रमुख नेता बैठते हैं। सांसदों का मानना है कि उनकी दृश्यता उनके निर्वाचन क्षेत्रों में उनकी साख के लिए महत्वपूर्ण विषय है, इसीलिए बदली हुई जगह से सांसद काफी परेशान नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।